आपका स्वागत है इस शो में। हम बताते हैं आपको कि बाजार में आज का पूरा एक्शन कैसा रहा, साथ ही कल के लिए स्ट्रेटजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं देवांशी आशर और मेरे साथ कल की तैयारी करने के लिए जुड़ रही है जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, सिटी फिनमार्ट के विकास की पूरी रिसर्च टीम। दीपांशु हमें ये बताएंगे कि आज क्रेडिट पॉलिसी में रियल एस्टेट और एनबीएफसी सेक्टर को क्या मिला, क्या खास था इस पॉलिसी में। साथ ही संदीप हमें ये बताएंगे कि यूपीएल और एमजीएल का अनुमान क्या है, जो नतीजे कल आने वाले हैं। आशीष हमें ये बताएंगे कि आज बाजार में क्या एक्शन दिखा, किन सेक्टर्स में एक्शन दिखा, और साथ ही टाटा स्टील के नतीजों का अनुमान भी आशीष से लेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आज कौन से ऐसे पिक्स हैं जो विकास जी को पसंद है। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि आज बाजार का जो कारोबार है वो किस तरह से रहा। सबसे पहले आप देखिए, अगर बाजार की बात करें तो आज लगातार चौथे दिन बाजार में शानदार तेजी ही देखने मिली थी। करीब आधे परसेंट तक की तेजी के साथ निफ्टी 12,150 के करीब बंद होता हुआ दिखा, और साथ ही सेंसेक्स में भी 150 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ करीब 41,300 के लेवल्स के ऊपर बंद होता हुआ दिखा। वहीं अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो आज ट्रिपल सेंचुरी लगाकर 31,300 के लेवल्स पर बंद होता हुआ दिखा। इसके अलावा मिड कैप शेयरों में भी आज जोरदार खरीदारी देखने मिली थी और इंडेक्स करीब 1% से ज्यादा उछलता हुआ दिखा था। कुल मिलाकर आज सेंटीमेंट्स काफी ज्यादा पॉजिटिव बनते हुए दिखे थे और खरीदारी आगे बढ़ती हुई दिखी थी। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि आज FIs और DIs की किस तरह से खरीदारी आती हुई दिखी है, इस पर नजर कर लेते हैं। FIs यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 530 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं DIs की बात करें यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशकों की बात करें तो करीब 304 करोड़ रुपए की खरीदारी करी है। कुल मिलाकर आज देखिए आप FIs की तरफ से बिकवाली हुई है, लेकिन DIs ने मार्केट्स में खरीदारी की है। अब रुक करेंगे बाजार पर और देख लेते हैं कि आज बाजार पर एडिटर्स टेक क्या बनता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जुड़ चुके हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका, गुड इवनिंग। ये बताइए, आज अगर हम ओवरऑल बाजार को देखें तो लगातार चौथे दिन बाजार में हमें तेजी देखने मिली है, और ऐसे में क्या बाजार में रिकॉर्ड हाई की तरफ ही बढ़ता हुआ दिखेगा, यानी तेजी यहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। कैसा था आज बाजार का एक्शन? आपकी दोनों बातें सही है देवांशी, हम नई ऊंचाई की तरफ भी बढ़ रहे हैं और करेक्शन भी आ सकता है। अब आप कहेंगे ये कैसे? देखिए, नई ऊंचाई 12,430 के पार बनेगी और वहां से लगभग हम 300 पॉइंट ऊपर है। तो देखिए, 11,615 के आसपास से हम वैसे 12,115 तक तो आ चुके हैं, 500 पॉइंट नॉन स्टॉप, तो अब और 300 पॉइंट नॉन स्टॉप तो नहीं बढ़ेंगे, रुकना तो है। और जो कुछ भी अच्छी खरीदारी शॉर्ट कवरिंग एक्सपायरी तक होनी थी वो आज हो गई, तो अब यहाँ से आपको और बढ़ने के लिए फ्रेश खरीदारी चाहिए, पैसा चाहिए, चाहे वो घरेलू फंड का हो, चाहे ट्रेडर्स का हो, चाहे FIs का हो। तो इसलिए बढ़ने के लिए अब शॉर्ट कवरिंग का सारा खत्म आज हो गया, तो ऐसे में आप नॉन स्टॉप 12,430 जाएंगे ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन क्या आप उस तरफ नहीं बढ़ रहे? अरे भाई, 100% बढ़ रहे हैं। इस हफ्ते 4 के 4 ट्रेडिंग सेशन बेहद मजबूती वाले रहे, आज भी बाजार दमदार क्लोजिंग के साथ बंद हुआ है, कहीं कोई खास करेक्शन नहीं ऊपरी स्तरों से, तो कुल मिलाकर मोमेंटम स्ट्रांग है। और इस मोमेंटम का सीधा फॉर्मूला एक है, आपको अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए कि नीचे कितना जा सकते हैं, और जब आपको नीचे के रिस्क पता हो तो बस खरीदारी कीजिए। तो बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, खरीदते रहिए जो आपको पसंद आए, चाहे रिजल्ट के हिसाब से स्टॉक खरीदिए। दिग्गज शेयरों में FIs की बाएंगे, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में यहाँ पर लोकल फंड्स खरीद रहे हैं और HNI इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं, तो आपका जहां कंफर्ट है वो खरीदिए। बिल्कुल, तो जैसे कि आपने कहा यहाँ पे आप जो स्टॉप लॉसेस हैं और जो लेवल्स हैं इनको आप ध्यान में रखिए, क्योंकि आज भी हमने देखा कि बाजार में जिस तरह से तेजी होती हुई दिखी थी RBI की पॉलिसी के बाद, वो काफी ज्यादा शानदार थी। चलिए, शुक्रिया अनिल जी, लेकिन आप हमारे साथ बने रहे, हम आपसे ये भी जानेंगे कि कल की क्या स्ट्रैटेजी होगी। लेकिन बाजार में आज किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने मिला था, ये बताने के लिए अब हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी मौजूद है। आशीष, गुड इवनिंग। ये बताइए कि अगर आज बाजार की बात करें तो तेजी जरूर देखने मिली थी, लेकिन किन सेक्टर्स में एक्शन दिखा था? बाजार में लगातार चार दिन से तेजी देखी जा रही है, और खास बात यह रही कि FY20 में पहली बार क्रेडिट पॉलिसी के दिन निफ्टी बैंक ने हरे निशान में क्लोजिंग दी। आज दरअसल NBFC स्टॉक्स काफी फोकस में थे, कारण यह है कि RBI मॉनेटरी पॉलिसी में एक अहम फैसला लिया गया
कि जो अगर रियल एस्टेट लोन्स में उचित कारणों की वजह से देरी होती है तो उनकी रेटिंग को डाउनग्रेड नहीं किया जाएगा। इसके लिए वो एनबीएफसी जहां पर रियल एस्टेट में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर है, मिसाल के तौर पर पिरामल एंटरप्राइज, जीएम फाइनेंशियल और एडलवाइस, यहां पर बढ़िया उछाल देखा गया। साथ ही इस फैसले का लॉन्ग टर्म बेनिफिट सरकारी बैंकों को भी देखने को मिलेगा। और आज के सत्र में बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी और कैनरा बैंक तेजी के साथ बंद हुए। कुछ निजी बैंक भी ऐसी हैं जिनका एक्सपोजर रियल एस्टेट में काफ़ी ज़्यादा है, इंडसइंड बैंक, आरबीएल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और यस बैंक, यहाँ पर भी बढ़िया खरीदारी देखने को मिली। और रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी आज एक्शन भरपूर देखने को मिला, कोल्टे, पाटिल, गोदरेज प्रॉपर्टीज, शोभा और प्रेस्टीज एस्टेट्स में भी बढ़िया खरीदारी देखने को मिली। फार्मा स्टॉक्स में हम देख रहे हैं लगातार अच्छे नतीजे आ रहे हैं, अजंता फार्मा इनके जो मुनाफा है करीब 60% बढ़ा, जिसके चलते स्टॉक में 10% का अपमूव देखने को मिला। मिड कैप में सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला स्टॉक था अजंता फार्मा। और ग्रैनुअल्स के भी अच्छे नतीजों के बाद एक लगातार हम अप ट्रेंड देख रहे हैं, सुवेन और डिविस लाइफ जहाँ पर नतीजे थोड़े से कमज़ोर देखने को मिले थे लेकिन निचले स्तरों से यहाँ पर बढ़िया खरीदारी देखने को मिली। मेटल स्टॉक्स में हम देख रहे हैं लगातार एक्शन बना हुआ है और आज के सत्र में भी नालको, जेएसडब्ल्यू स्टील, वेदांता और टाटा स्टील यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली। और आज के सत्र में भी दूसरा दिन ऐसा लगातार है जहाँ पर हर सेक्टर में हरा निशान देखने को मिला, खरीदारी देखने को मिली। चलिए तो आज सारे के सारे ऐसे सेक्टर्स थे जहाँ पे आज फिर से एक बार हरे निशान में कारोबार होता हुआ दिखा था और ये सारे सेक्टर्स ऐसे थे जहाँ पे हमने अच्छी वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी जरूर बनती हुई दिखी है। चलिए अब हमारे खास मेहमान का रुख करते हैं, हमारे साथ सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी जुड़ चुके हैं। विकास जी गुड इवनिंग, ये बताइए सबसे पहले तो आज चौथा दिन था जहाँ पे खरीदारी का ही रुख बनता हुआ दिखा था और हम वेट कर रहे थे कि आरबीआई पॉलिसी किस तरह से आती है, लेकिन अब आरबीआई पॉलिसी के बाद क्या लगता है आपको कंजम्पशन स्टॉक्स, रियल एस्टेट, साथ ही जिस तरह से हम देख रहे हैं ऑटो शेयर्स जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सहारा मिलता हुआ दिखा है, क्या यही सारे स्टॉक से सहारा मिलेगा, यही सेक्टर्स निफ्टी को सहारा देते हुए दिखेंगे आपको आगे? बिल्कुल देवांशी, देखिए बाजार में बजट वाले दिन के जो कार्नेज के बाद हमने सोमवार से अभी गुरुवार तक एक बहुत ही शानदार तेजी बाजार में देखी है। नॉन स्टॉप एक 500-600 पॉइंट की निफ्टी में रैली हुई है। बट आप यहां से अगर देखें तो कल एक तो शुक्रवार है, उसके बाद वीकेंड का एक वो रहेगा, अनसर्टेनिटी रहेगी वीकेंड में, इंटरनेशनली कुछ अगर आता है तो, उसके बाद ओवर द वीकेंड दिल्ली के इलेक्शंस रहेंगे, उसका भी आउटकम आने का रहेगा मंडे को। तो मुझे लगता है ये जो इतनी बड़ी तेजी के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली आ सकती है, बट अगर ऐसी कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है, बाजार में करेक्शन आता है, तो वो खरीदारी करने का ही मौका होगा। बाजार बिल्कुल एक सेंटिमेंट्स बहुत ही अच्छे हैं, बुलिश है और इंटरनेशनल क्यूज भी काफ़ी फेवरेबल हो गए हैं। और जिस तरह की आरबीआई पॉलिसी में जो एक आरबीआई गवर्नर ने एक अकोमोडेटिव स्टांस बताया, फिर सेक्टर स्पेसिफिक स्टिमुलस जरूर दिए, जैसे ऑटो है, हाउसिंग है, आपके एमएसएमईज हैं उनको जो इंक्रीमेंटल क्रेडिट होगा उस पर सीआरआर की छूट दी है। इसके अलावा जो कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए भी इन्होंने जो मोरेटोरियम पीरियड दिया है, अगर प्रोमोटर्स की गलती के बिना ही वो प्रोजेक्ट्स अगर कोई रेगुलेशन की वजह से अटके हुए हैं तो वहां पे एक साल का मोरेटोरियम दिया है एनपीए डिक्लेयर करने के लिए। तो मुझे लगता है इन सब की वजह से पूरा एनबीएफसी सेक्टर, हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, रियल एस्टेट, ये सब बिल्कुल फोकस में रहेंगे। मुझे लगता है कोई भी अगर गिरावट आती है कल सेकेंड हाफ में, हो सकता है कोई गिरावट आवे बिकॉज एक वीकेंड का एक वो रहेगा, प्लस ओवर द वीकेंड इलेक्शन रिजल्ट भी आने रहेंगे इसके, दिल्ली इलेक्शन के। तो मुझे लगता है इन सबको देखते हुए थोड़ा कोशिश रहना रहेगा, बट कोई भी गिरावट में खरीदारी करने की सलाह है। बिल्कुल, तो कोई भी गिरावट आती है आप खरीदारी करके चल सकते हैं और कल के दिन थोड़ी सी मुनाफा वसूली आती हुई दिख सकती है, यानी कि शुक्रवार का ट्रेडिंग सेशन है तो वीकेंड के चलते जो जितने भी पोजीशंस हैं वो थोड़ी सी हल्की होती हुई जरूर दिख सकती है। विकास जी, एक स्टॉक है जिस पर हम फिलहाल बात करते हैं, वो है हीरो मोटोकॉर्प। मैंने आपसे कहा था कि ऑटो कंपनीज, इसके लिए अब राहत तो जरूर मिलती हुई दिखी है, आरबीआई ने भी थोड़ी सी राहत दिया आज की पॉलिसी में, लेकिन जो नतीजे आते हुए दिखे हैं हीरो मोटोकॉर्प के वो काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं, अनुमान से भी काफ़ी बेहतर नंबर्स आते हुए दिखे हैं। मैं आपको जो नंबर्स हैं यानी जो मुनाफा है वो मैं आपको बता दूं, फिलहाल मुनाफा काफी अनुमान से भी बेहतर आता हुआ दिखा, 880 करोड़ के लेवल्स पर मुनाफा आता हुआ दिखा है, जो आय है वो इस बार बढ़ती हुई दिखी है, अनुमान था करीब 7000 करोड़ रुपए आने की, 7000 करोड़ रुपए का की जो आय है वो हीरो मोटोकॉर्प ने पोस्ट की और 15% के करीब मार्जिन आते हुए दिखे हैं। क्या लगता है आपको हीरो मोटोकॉर्प अब फिर से एक बार अच्छी रिकवरी बता सकता है, हमने बजाज ऑटो में भी देखा था, क्या अब आपको लगता है टू व्हीलर सेगमेंट्स फिर से एक बार बाइंग लिस्ट पर आनी चाहिए? नहीं बिल्कुल देवांशी, देखिए नतीजे भी शानदार थे और ये जो टू व्हीलर का जो सेगमेंट है मुझे काफी अच्छा लगता है, और ये जो भी आरबीआई की पॉलिसी में जो आता है या फिर जिस तरह से सरकार का एक लिक्विडिटी की जो प्रॉब्लम्स सलटाने के लिए जो कदम उठाती है
मुझे लगता है इन सब का फायदा, प्लस रूरल इकोनॉमी अगर अच्छा करती है, जो कि बजट में काफी रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए काफी कदम सरकार ने उठाए हैं, मुझे लगता है इन सब का पॉजिटिव इंपैक्ट टू व्हीलर सेक्टर में देखने को मिलेगा। और वहां से हीरो मोटोकॉर्प एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, वैल्यूएशंस भी इस गिरावट के बाद या करेक्शंस के बाद काफी अट्रैक्टिव हो गए हैं, रिजल्ट्स भी काफी अच्छे हैं। मुझे लगता है इस स्टॉक में बिल्कुल कोई भी गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए और एक अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं इस स्टॉक में। देखिए टू व्हीलर सेगमेंट है जहां पे अच्छी खरीदारी आती हुई दिख सकती है, और हीरो मोटोकॉर्प यहां से भी थोड़े से गेन्स आज के ट्रेडिंग सेशन में भी हमने देखा, करीब 50 रुपए ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा था 2420 के लेवल्स के आसपास। कल के ट्रेडिंग सेशन में और भी ज्यादा गेन्स आते हुए दिख सकते हैं। विकास जी बताइए कि आज के दिन तो हमने देखा कि अच्छी खरीदारी है और कल भी आप ये मानते हैं कि हल्की से मुनाफा वसूली जरूर आ सकती है, लेकिन ऐसे में कल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए निफ्टी और निफ्टी बैंक को लेकर, और कौन से स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पर हैं फिलहाल? देखिए देवांशी, निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों पे ही मेरा व्यू तो बुलिश है, जैसे मैंने कहा, बस थोड़ी बहुत करेक्शन आना स्वाभाविक है। अगर जैसे हम पिछले चार दिनों में 500-600 पॉइंट ऑलरेडी निफ्टी में बढ़ चुके हैं, वैसे ही बैंक निफ्टी में भी एक शानदार तेजी हुई है। मुझे लगता है थोड़ा बहुत करेक्शन बिल्कुल आ सकता है, बट करेक्शन में खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। और जहां तक कल के लिए एक स्टॉक पिक का सवाल है, तो मेरा एक कॉल रहेगा HEG के ऊपर, हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट। ये इलेक्ट्रोग्रेफाइट बनाने वाली एक भारत की लीडिंग कंपनी है, शानदार बैलेंस शीट है, और ये जो पिछले साल में एक बहुत बड़ी गिरावट आई है स्टॉक में, अपने 5000 के लेवल से घट के ये 1100 के लेवल्स तक आ गए हैं स्टॉक, तो एक वैल्यूएशंस भी काफी आकर्षक लगते हैं। और मुझे लगता है जिस तरह से चाइना में दिक्कतें हो रही है, जो चाइना से जो ट्रेड एंड कॉमर्स बंद है, मुझे लगता है उसका जो फायदा है ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनको डेफिनेटली मिलेगा। मुझे लगता है इसके प्राइजेस में भी काफी एक अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है, तो उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट HEG, ग्रेफाइट इंडिया, रेन इंडस्ट्रीज, इन जैसे स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। तो कल के लिए HEG में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। आज 1140 पे बंद हुआ है, कल का मेरा टारगेट रहेगा 1190 रुपए का। चलिए तो मार्केट्स में हल्की सी मुनाफा वसूली सेकेंड हाफ में देखने मिल सकती है, वीकेंड इसलिए और लगातार बाजार में खरीदारी आती हुई दिखी है, और इनकी तरफ से HEG लिमिटेड ये इनके रडार पर जहाँ आपके आपको करनी है खरीदारी 1190-1200 के लेवल्स के करीब ये स्टॉक पहुंचता हुआ दिख सकता है, यानी कि आज की क्लोजिंग से करीब 50 रुपए ऊपर तक के टारगेट्स आपको मिलते हुए दिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आज की बड़ी खबर की, यानी कि RBI की क्रेडिट पॉलिसी की। हमने आपको ये भी बताया था कि RBI में ब्याज दरों में कोई बदलाव होता हुआ नहीं देखेगा, और वैसे ही हमने देखा कि RBI ने आज ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन पॉलिसी में रियल एस्टेट और NBFCs को लेके कुछ अहम ऐलान जरूर किए गए हैं। अब ये ऐलान क्या थे, कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ये बताने के लिए अब हमारे रिसर्च एनालिस्ट दीपांशु भंडारी जुड़ चुके हैं। दीपांशु गुड इवनिंग, बताइए NBFCs और रियल एस्टेट के लिए RBI पॉलिसी में क्या निकल कर आया है? आज की RBI पॉलिसी की बात करें तो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कुछ राहत के मेजर्स थे। RBI ने कहा है कि ऐसे कमर्शियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स जो अटके हुए हैं प्रमोटर की गलती के बजाय, अगर प्रमोटर की गलती है तो नहीं, पर अगर प्रमोटर की गलती के बजाय कुछ ऐसे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं जो अटके हुए हैं, अगर सरकार से परमिशन डिले हुए या कोई और फैक्टर है, तो फिर इन प्रोजेक्ट्स को शुरू करने के लिए एक साल का मॉरेटोरियम दिया जाएगा। इसका मतलब कि वो उस एक साल में कोई भी लेंडर इन प्रोजेक्ट्स को NPA नहीं डिक्लेयर कर सकता और ना ही इन प्रोजेक्ट्स के एसेट्स को डाउनग्रेड कर सकता है। ये बहुत ही राहत का मेजर है जहां तक रियल एस्टेट स्टॉक्स का सवाल है और NBFCs का सवाल है, क्योंकि अब इन प्रोजेक्ट्स को NPA डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा तो उसकी प्रोविजनिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, तो लिक्विडिटी रिलीफ भी मिलता है। पर क्या ये इतना बड़ा पॉजिटिव जिस तरह का हमने आज रिएक्शन देखा? शायद नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि उन्हीं प्रोजेक्ट्स को राहत मिलेगी जो प्रमोटर के इश्यूज के बजाय अटके हुए हैं। और अगर हम देखेंगे तो कितने ही कमर्शियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो प्रमोटर की वजह से अटके हुए हैं, तो अगर प्रमोटर के इश्यूज की वजह से प्रोजेक्ट अटके हुए हैं तो राहत नहीं मिलेगी। अगर आप उनको हटा दें और फिर देखें कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अटके हुए हैं, तो एक बहुत ही छोटा पोर्टफोलियो आता है ओवरऑल लेंडिंग बुक का, जहां तक NBFCs का सवाल है, कुछ 3% के आसपास का अनुमान लगाया जा रहा है। तो इन प्रोजेक्ट्स को राहत जरूर मिलेगी, पर इतनी बड़ी राहत नहीं मिलेगी जिस तरह का हमने स्टॉक रिएक्शन देखा है, तो उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि ये बहुत जरूरी बात है कि उन रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए जो जेन्युइन है, जो प्रमोटर इश्यूज के अलावा उनके प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं, उनके लिए बहुत बड़ी राहत का सवाल है, और उनके उनको जिन्होंने लेंड किया है उनके लिए भी बहुत बड़ी राहत का सवाल है। पर पूरी इंडस्ट्री को इससे फायदा मिलेगा? शायद नहीं, क्योंकि ये सिर्फ कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए है, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के लिए नहीं है जो प्रोजेक्ट्स अभी भी अटके हुए हैं।
बिल्कुल शुक्रिया दीपांशु ये जानकारी देने के लिए। तो जैसे कि हमने देखा कि आज सिर्फ रियल एस्टेट को जो फंडिंग करते हैं उनको राहत मिलती हुई दिखी थी और इसी के चलते सारे एनबीएफसीज में आज तेजी जरूर बनती हुई दिखी थी। आगे बढ़ते हैं, कल यूपीएल के नतीजे आने वाले हैं, ये बताने के लिए कि क्या अनुमान बनता हुआ दिख रहा है हमारे साथ संदीप ग्रोवर जुड़ चुके हैं। संदीप बताइए। देखिए यूपीएल के नंबर्स की जहाँ तक बात है, अगर आप साल दर साल कंसो नंबर्स की बात करें तो पिछले साल इन्होंने जो अरिस्टा का अधिग्रहण किया था वो नंबर्स में नहीं है, तो उस लिहाज से आप देखा जाए अधिग्रहण का इंपैक्ट नंबर्स में आएगा, तो उस वजह से नंबर्स आपको काफ़ी ज़्यादा तेज ग्रो करते हुए देखेंगे। आय जो है वो करीब 90% बढ़ेगी, इतना ही उछाल आपको करीब कामकाजी मुनाफे में देखने को मिलेगा। मार्जिन में आप देखिए आपको सपाट या तो फिर थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर नजर आएगा, 20.6 के मुकाबले 20.3% का नंबर आएगा, क्योंकि यूरोप का कारोबार अगर आप देखिए वहाँ पर धीमापन है, उस वजह से मार्जिन पर इस बार थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है। मुनाफा 54% बढ़ता हुआ दिखेगा, खर्चों में कटौती कुछ करी इन्होंने उससे मार्जिन को जरूर थोड़ा सा सहारा देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल जिस तरह से यूरोप में मार्जिन कम हो रहे हैं मुनाफे की जो ग्रोथ है वो सेल्स के मुकाबले आपको कम नजर आएगी। 54% मुनाफा बढ़कर 723 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिल सकता है। और अब आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बताने के लिए टाटा स्टील से कल जो नतीजे आने वाले हैं उसमें क्या उम्मीद करनी चाहिए। आशीष अब बताइए। देखिए नतीजे सालाना आधार पर बेहद कमजोर आएंगे, लेकिन अगर आप इसे सितंबर तिमाही से कंपेयर करें तो भारतीय जो कारोबार है इनका उसमें हल्का सा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन क्योंकि जो स्टील की कीमतें उसमें काफ़ी गिरावट देखी गई है जिसके चलते रियलाइजेशन पर इम्पैक्ट होगा और इनका मुनाफे में काफ़ी ज़्यादा डेंट देखने को मिलेगा, करीब 98% की गिरावट का अनुमान है, करीब 34 करोड़ रहेगा इनका मुनाफा। साथ ही मार्जिन्स पर भी बहुत प्रेशर आपको देखने को मिलेगा, कंसोलिडेटेड बेसिस पर अगर आप नंबर देखें तो 16.3% से घटकर 11.9% रहेंगे इनके बिटा मार्जिन्स, और इनका जो कामकाजी मुनाफा है उसमें भी 38% की गिरावट देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर नतीजे कमजोर रहेंगे। चलिए तो कुल मिलाकर नतीजे कमजोर रहने का ये अनुमान कल के नतीजों से करना चाहिए, और टाटा स्टील आप देखिए आज के दिन में भी थोड़ी सी तेजी जरूर बनती हुई दिखी थी। शुक्रिया आशीष इन उम्मीद के लिए। आगे बढ़ते हैं, अनिल जी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी ये बताइए कि आज तो बाजार में हमने तेजी ही देखी है, लेकिन अब नई तेजी के लिए कहाँ से सपोर्ट आता हुआ दिख सकता है निफ्टी निफ्टी बैंक के लिए, अब अहम लेवल्स क्या होते हुए दिखेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन में? चार दिनों से देवांशी हम काफ़ी मजबूत हुए हैं और इस मजबूती में काफ़ी कुछ योगदान ग्लोबल मार्केट्स का, ऐसा नहीं कि हम खाली अकेले बढ़ रहे हैं। एक्चुअली देखा जाए तो हमारे से ज़्यादा तो बाहर के बाजार दूसरे बढ़े हैं, डाओ लगातार तेजी दिखा रहा है, हांगकांग देख लीजिए, चीन जहाँ पर इतनी दिक्कतें ये बढ़ गई, तो हम बढ़ रहे हैं तो गलत थोड़ी है। लेकिन अब हमारे यहाँ एक्सपायरी के बाद कल का जो ट्रेड है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहली चीज़ 12,100 आपके लिए कल निर्णायक लेवल है, ठीक है। 12,100 के ऊपर है, आप 20-25 पॉइंट गिर भी जाएं तब भी आप मान के चलिए कि आप तेजी में ही हैं, आप मंदी 12,100 के नीचे से गिनना शुरू कीजिए। पॉइंट नंबर वन, 12,000 बेहद मजबूत स्ट्रांग रॉक बॉटम सपोर्ट है, उसके नीचे आप जाएंगे नहीं, तो ये हो गया दूसरा लेवल। अब आइए ऊपर के लेवल, 12,200 ये रुकावट का लेवल है, तो आपके लिए दो गोल पोस्ट हो गए, 12,000 12,200 और मिडफील्ड है 12,100। 12,200 के पार निकल कर टिके तो आपके लिए 50 पॉइंट की तेजी की जगह और बन जाएगी जो 12,250 तक निफ्टी को ले जा सकती है। तो बढ़ने का सिलसिला तो है लेकिन धीमे धीमे। अब रिस्क क्या है? रिस्क है सिर्फ ग्लोबल मार्केट्स। बंद हुए तब अमेरिकी फ्यूचर्स 150 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे थे, अब किसी वजह से अमेरिका में तेजी ना हो या फिर करेक्शन आ जाए, वो भी इतने दिनों से बढ़ रहे हैं, तो आपकी नीचे शुरुआत हो सकती है, तब आप गिरावट में फिर से खरीदारी का सोच सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 31,000 नीचे अहम सपोर्ट है, 31,500 ऊपर का लेवल है, उसके बीचों बीच 31,250 के आसपास आप जाकर बंद हुए, तो 31,000 31,100 की रेंज में आएगा वहाँ खरीदना है, 31,400 31,500 की रेंज में आएगा वहाँ प्रॉफिट बुक करना है। इस रेंज के किसी और बाहर निकलेगा तो 200-250 पॉइंट की तेजी के या मंदी के लिए तैयार हो जाइए। ये आपके लिए कल निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी। रिजल्ट्स ढेर सारे हैं, निफ्टी के भी, FNO के भी, कैश मार्केट के भी, तो ऐसा ना करें कि आप खाली इंडेक्स देखते रह जाएं, स्टॉक्स का एक्शन मिस मत करिए। बहुत कम टाइम बाजार में ऐसा होता है जब स्टॉक भरपूर एक्शन में होते हैं, और देवांशी मुझे लगता है कल भी है ना स्टॉक एक्शन का दिन रहेगा। चलिए तो कल भी स्टॉक्स में जिस तरह से एक्शन आज हमें दिखा था, कल भी वैसे एक्शन जरूर बनता हुआ दिखेगा, लेकिन निफ्टी के लिए 12,000 रॉक सॉलिड यहाँ पे सपोर्ट जरूर बनता हुआ दिख रहा है। 12,100 के लेवल्स पर आप वॉच आउट करें, इसके ऊपर तेजी दिखेगी, और 31,500 के लेवल्स के ऊपर अगर बैंक निफ्टी टिकता है तो यहाँ पे और भी ज्यादा तेजी आने की उम्मीद जरूर बनती हुई दिख रही है, लेकिन वीकेंड है तो आप ध्यान रखिए, थोड़ा सा कॉशियस रहिए। लेकिन अब आगे बढ़ते और देख लेते कि वायदा बाजार में अब ऑप्शन की क्या स्ट्रैटेजी बन सकती है कल के लिए।
और कल की ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए अब हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया जुड़ चुके हैं। राजेश जी, गुड इवनिंग। आज तो बाजार में तेजी जिस तरह से हमने देखी थी, क्या आपको लगता है कि कल भी वैसी ही तेजी लगेगी? निफ्टी निफ्टी बैंक वैसे ही चढ़ेंगे और कल के लिए जो पिक्स हैं वो आपके कौन से होंगे? गुड इवनिंग देवांशी। बिल्कुल, जिस तरीके से आज बाइंग एक्शन था, मुझे लगता है ये मोमेंटम कल भी कंटिन्यू रहना चाहिए, क्योंकि हम देखें तो पूरे वीक में ये हमने देखा कि वन साइड तेजी देखने को मिली। मंडे से लेकर आज थर्सडे तक वन साइड मार्केट बढ़ा है, तो लास्ट डे ऑफ वीक है, मुझे लग रहा है बिल्कुल मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा और मुझे लग रहा है 12,200 तक के लिए मार्केट जरूर कल अटेम्प्ट करेगा। वहां तक के लिए मुझे लगता है कि एक बार अपने आना चाहिए, तो करंट लेवल से मेरे हिसाब से 12,200 का कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए, जो कि 43 रुपीज के आसपास क्लोज हुआ आज। उसको 20 रुपए के स्टॉप लॉस से बाय करना चाहिए। 65 से 70 रुपीज तक के टारगेट मुझे लगता है इस कॉल ऑप्शन में देखने को मिलना चाहिए कल के सेशन में, क्योंकि जिस तरीके से डेटा बना हुआ है मुझे लग रहा है कि ये 12,100 का लेवल कल के सेशन में अगर ये होल्ड कर लिया तो फिर बिल्कुल ये 12,230 तक भी एक बार अपमूव बनना चाहिए। वहां तक के लिए मुझे लगता है ये कॉल ऑप्शन में एक अच्छा प्रॉफिट बनने के चांसेस रहेंगे। और जो दूसरा स्टॉक मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है कल के सेशन के लिए, वो L&T फाइनेंस होल्डिंग हाउसिंग फाइनेंस। सो ये कंपनी में अगर हम देखें तो पूरे सेक्टर में एक अच्छा बाइंग एक्शन देखने को मिला आरबीआई पॉलिसी के बाद, तो L&T फाइनेंस होल्डिंग में मुझे लगता है 130 का कॉल ऑप्शन, जिस तरीके से आज एक इसमें ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है लॉन्ग साइड का, मुझे लगता है ये स्टॉक में 135-140 तक का अपमूव रहेगा, तो 130 का कॉल ऑप्शन हम बाय करेंगे, जो कि आज क्लोज हुआ है 3.75 रुपए के आसपास। इसमें हम 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे और मुझे लगता है 7 से 8 रुपए तक के टारगेट इस कॉल ऑप्शन में देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, तो L&T फाइनेंशियल होल्डिंग 130 वाली कॉल आपको खरीदनी है खरीदारी, और साथ ही 12,200 वाली जो कॉल है यहाँ पे आपको कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए खरीदारी करके चलना है। 70 तक के प्रीमियम्स यहाँ पे जा सकते हैं। राजेश जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए विकास, आप ये बताइए कि अगर हम लंबी अवधि और पोजिशनल पिक्स की बात करें तो वो आपकी तरफ से कौन से होंगे, क्विकली बताइए। पोजिशनल कॉल के तौर पे मैं रेकमेंड करना चाहूँगा पेट्रोनेट LNG, एक बहुत ही शानदार कंपनी है ऑयल एंड गैस सेक्टर से, फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं और इनके इस क्वार्टर में मैंगलोर कोची पाइपलाइन भी शुरू होने जा रही है, तो मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदे, पोजिशनली 300 रुपये तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। और जहाँ तक लंबी अवधि का सवाल है, मैं रेकमेंड करना चाहूँगा महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, ये भी एक शानदार कंपनी है लॉजिस्टिक्स स्पेस से, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है और ये कंपनी हाई ग्रोथ सेक्टर्स में ऑपरेट करती है, जैसे ई कॉमर्स है, फार्मा है, FMCG है, और एक अच्छा मैनेजमेंट है। और जिस तरह से सरकार ने इस बजट में एक लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग को इम्पेटस दिया है, मुझे लगता है ये कंपनी बहुत अच्छा करेगी आने वाले क्वार्टर्स में, और एक शानदार बैलेंस शीट है, अच्छे रिटर्न रेशियोज है, नेग्लिजिबल डेट है, वैल्यूएशंस भी अच्छे हैं, तो इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदने की सलाह है। एक साल का लक्ष्य रहेगा 525 रुपए। चलिए सेठी जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इसी के साथ बाजार आज और कल में बस इतना ही, और आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल फिर आपको बताएंगे कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और पूरा दिन बाजार किस तरह से रहा, आप देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।